वेलकम बैक, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं बेरोजगार अर्चे और बॉलीवुड की गलियों से लेकर आ गया हूँ हम आपके लिए एक और खबर भैया, जिसका था सबको इंतजार, वो घड़ी आ गई है क्योंकि बच्चन पांडे का ट्रेलर आ गया है। और ट्रेलर क्या ही ट्रेलर आया है, मतलब अक्षय कुमार का जो लुक था, जो पोस्टर हमने देखा था, और हाइप जो थी ना वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन फिल्म कैसी होगी ये तो खैर बताऊंगा मैं। और ट्रेलर में क्या खास है, सबसे पहले कास्ट पे बात करते हैं। कास्ट में अक्षय कुमार लीड में है, उसके बाद कृति सेनन है, अर्शद वारसी है, पंकज त्रिपाठी हैं, जो ऑलवेज बेस्ट होता है। कुछ एक दो जगह आपको दिखेगा पुराने मीम्स हैं जहां पर इस्तेमाल किया गया है उनका, तो बहुत ज्यादा ना वो जो एक आप हाइप बना लेते हो ना, जो आपको लगता है कि ये तो यार बहुत ही बवाल होने वाला है, ऐसा इस ट्रेलर में कुछ नहीं है भैया, ईमानदारी से बता रहा हूँ। देखो इसमें एक सीन है जहाँ पे गाड़ी चलती है और आगे उसके छिपकली है, क्रिकेट जो भी दिखाया है वो ऐसे सीन बहुत सारी बार हम लोगों ने देखे हैं, और वो नकली आंख तो हम पता नहीं कब से देखते आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं है। हाँ, फाइट सीक्वेंस की बात की जाए भैया, रीमेक है जिगर ठंडा का, तो वो अच्छे हैं, प्रॉमिसिंग लग रहे हैं जो फाइट सीन है। बाकी अगर वो मतलब जिस हिसाब का सोचा गया था, जो एक आप बना लेते हो माइंड में कि यार ऐसा होगा, तो ऐसा भैया देखो कुछ भी नहीं है। तो पहले बनी डर्टी कार्निवल कोरियन में, वहां से उसको इंस्पायर करके बनी गई जिगर ठंडा तमिल में, और अब ये है हमारे सामने बच्चन पांडे, बागवा का बच्चन पांडे, जिस पर फिल्म बनानी है कृति सेनन को। तो बस वहां से उनके पास जाते हैं और वो स्टोरी का जो ताना बाना है ट्रेलर में, मतलब मेरे को तो कुछ ऐसा यार सच में लिटरली कुछ ऐसा लगा नहीं कि बहुत बम्बास्टिक हो, एक दो सीन्स के अलावा जो फाइट के हैं हथौड़े वाले, वो छोटी जो हथौड़ी होती है, हथौड़ा बोल रहा हूँ, हथौड़ी होती है, तो देखिए हमको उतना ज्यादा कुछ लगा नहीं प्रॉमिसिंग इसमें। हम तो यही कहेंगे कि ऊंची दुकान है भैया, फीका पकवान है। आप देखिए, हमको बताइए, अगर आप अक्षय पाजी के फैन हैं तो आपको मजा आएगा, लेकिन हमको कुछ इसमें खास दिखा नहीं। हम बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन हुआ नहीं। अब ऐसी भाषा भैया इसलिए बोल रहे हैं, एक दो जगह अक्षय कुमार ने भी कोशिश करी है और बट वो डायलेक्ट में मजा नहीं आया, तो यही है इसका ताना बाना। सच्चाई है, देखो बुरी लगे धर लेना अपने पास, पर यह सच है, हमको नहीं मजा आया। हमको बहुत उम्मीदें थी और उम्मीदें हमारी गई हैं पानी में। इसको मार्क्स देने हम देंगे 5 में से भैया इसको 2 नंबर, बस इससे ज्यादा हमारे पास नहीं है। ट्रेलर देखो, हमको बताओ कैसा लगा। बाय बाय, ख्याल रखो।